तो हेलो गाइस, हमारी मम्मी आ चुकी है और वो अंदर कमरे में बैठी है और देखते हैं क्या कर रही है। तो फिलहाल मम्मी बैठी है, क्या कर रही है मम्मी? कुछ बैठती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मम्मी बैठी है, फिलहाल एसी चला रखी है, 22 टेम्परेचर कर रखा है गाइस, आप देख ही सकते हो। ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी कह रही है, हेलो गाइस, तो कंप्लीट है हमारा काम, खत्म हो चुका है घरों का, खाली पेंट वगैरह रह चुका है जो कि पेंट वाले ने कहा है इसको 1 महीने बाद कराना, और हम 1 महीने बाद कराएंगे पेंट, जो कि हमारा ये काम था प्लास्टर वगैरह का, ये ख़त्म हो चुका है। और मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए एक एसी लगाई है जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने सेकेंड हैंड एसी ली थी है जो कि मेरे को एक सस्ते में मिल चुकी है, और मैंने फिटिंग फटिंग तो आपको बता ही दिया था, फिटिंग फटिंग की है स्टेटस में, तो गाइस मैंने भी फिटिंग भी की है अपने ऐप ही। और ये एसी का जो छोटा सा गाइस आप देख सकते हो हमारा यम रोड का पेड़ कितना भरा हो चुका है, उस पर हम वो आने वाले हैं, इस पर जो है कली आ चुकी है छोटी छोटी सी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना फूल आ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फूल आ रहा है, पूरे पेड़ पे ये सारा फूल आ रही है। और ये इधर हमारा डेक का पेड़ है, ये पूरा मुड़ चुका है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ से कैसे जा रहा है, इतना फिर इसमें डबल घूम आ चुका है, ऐसे बन चुका है जो कि मेरे नाम से ही आता है। और यहाँ पे गाइस हमारे लेटरिन बाथरूम के जो गेट हैं ये रह रहे हैं, इसमें प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो चुका है, इसमें मैं गेट चढ़ाऊँगा एक दो। और हमारा ये गैस सिलेंडर रखा है, यहाँ पे हमने हीटर चला रखा है, और इधर हमारा सामान सब एडजस्ट हो चुका है, इधर ये बेड है, पूरी तकद है, ये कुर्सी है, ये जाली है, और ये गोदरेज बनवाई है जो कि बाहर रखी थी, और ये और जो सामान था स्टैंड पे पहुँचा दिया है, हमने एक टैंड भी डलवाया था। तो गाइस हमने अगला कमरा दिखा दिया आपको, अब हम दिखाते हैं अगला कमरा। तो गाइस वहाँ पे हमारा एसी लगा, फिलहाल यहाँ पे रखा है म्यूजिक सिस्टम जहाँ की मेरा यूट्यूब स्टूडियो बनने वाला है, यहाँ पर मैं अपना स्टूडियो बनाऊँगा यूट्यूब। और ये स्टेबलाइजर है एसी का, एसी चल चुकी है, और ये 3 से 5 मिनट में इसका फैन घूमता है जो कि बाहर लग रहा है, 3 मिनट बाद घूमेगा पूरा। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको, और ये हमारा यहाँ पे पंखा रखा है, इसको रेस्ट मिल चुका है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप हमारी एसी चल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये कूलिंग 2 से 3 मिनट के अंदर करेगी, फिलहाल इसका जो बाहर का फ़ैन है वो नहीं चला है, ये खाली चल रही है, और ये बहुत ही बढ़िया कूलिंग करती है। तो सो गाइस मेरी मम्मी बाहर गई है, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए एसी लगाई है, तो इसका फ़ैन 2 से 3 मिनट के अंदर चल जाएगा। तो गाइस हम जब तक वेट करते हैं, तो सो गाइस हमारा फ़ैन ये चल चुका है जो कि बाहर का बॉक्स है, आप देख ही सकते हो, ये आवाज़ बहुत तगड़ी करता है बारिश, अंदर इसकी आवाज़ नहीं जाती है गाइस, बहुत ही अच्छी आवाज़ करता है। यहाँ पे फैन चल चुका है, अब हम देखते हैं गाइस अंदर कैसी कूलिंग हो चुकी है, फैन ने स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रहा है। अब हमारा जग्गू भी गाइस घूम के आ चुका है कहीं से, और ये फिलहाल कार पे बैठा है, आप देख सकते हो कहाँ गया था, कहाँ गया था, तो मुझको लग रहा है कहीं पे घूम के आ चुका है, और ये फिलहाल रेस्ट कर रहा है, और ये इसको जब पता चलता है ये जितल भी तो ये सीधा घर में जाके पड़ जाता है, आप देख ही सकते हो ये मस्ती करने के टाइम में मुझको लग रहा है, कल पर पड़ जा देख गंदी कर दी तुमने। तो हेलो गाइस, हमारी मम्मी आ चुकी है और वो अंदर कमरे में बैठी है, और देखते हैं क्या कर रही है। तो फिलहाल मम्मी बैठी है, क्या कर रही है मम्मी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मम्मी बैठी है, फिलहाल एसी चला रखी है, 22 टेम्परेचर कर रखा है गाइस, आप देख ही सकते हो। ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी कह रही है, तो गाइस मैं गेट बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो रात को नींद कैसे आती है मम्मी? तो मेरी मम्मी कह रही है बहुत ही अच्छी नींद आती है, और जो मेरे पापा है वो फिलहाल काम पे चले गए रात की ड्यूटी, जो कि
चरखी में गए हैं कुल्लू, एक तरीके से कुल्लू कहते हैं, लाल चरखी में चले गए हैं। और यहाँ पे ठंडी हवा रही है और यहाँ पे सुने का टाइम हो गया है। फिलहाल जो सिद्ध भाई है वो चाय बना रहा है, आप देख सकते हो आपको बल्ले में चाय बना रहा है। अभी हमारी रोसी तैयार नहीं हुई गई, जिंदगी हाँ बल इसको मैं बंद कर देता हूँ बाहर से, मम्मी अंदर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिद्धू चाय बना रहा है, यहाँ पे हमारा गैस रखा है, पूरे यहाँ पे चाय बना रहा है। आज हमने चावल बनाए थे और यहाँ पे केंदा है मेरी बुआ का लड़का, ये गंजा है आप देख सकते हो बिल्कुल, और ये मैच देख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये शिवानी यहाँ पे सो गई है, इसने पंखा में चला रखा है। हेलो गाइस, तो आज मैं अपने घर में बैठ कर पहले वीडियो बना रहा हूँ, आप देख ही सकते हो मैंने अपने घर में प्लास्टर क्लियर करवाया है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बता दिया था। और मेरे घर बिना प्लास्टर के थे और मैंने अपने अच्छी अच्छी लगवाई है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना कुछ करूँगा। लेकिन फिलहाल मैंने अपने घर में पकड़ लिया, कुछ भी नहीं किया है। मेरी छोर छोड़ते गाइस, थोड़ा सा प्यार दिलाओ, सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइब करवा दो गाइस। मेरे को एक गाड़ी लानी है, बाइक, जो कि मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकता कौन सी बाइक लाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही जल्द बाइक लाने वाला हूँ। जैसे ही आप मेरे 2000 सब्सक्राइब करवाओगे मैं एकदम से बाइक लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही अच्छी बाइक है, तो मैंने सोच रखी है। और गाइस आप भी कमेंट में बताओ मुझको कौन सी बाइक लानी चाहिए, जो कि अच्छी से अच्छी बाइक बताना, कम से कम ज़्यादा नहीं 2 या 3 लाख रुपये के आसपास बताना, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और मैं बहुत ही जल्द अपने घर में इन्वर्टर लगवाने वाला हूँ, जो कि रात को अच्छा परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे भी आप बस बाइक बताओगे जो जी मेरे को पसंद आएगी आपके बाइक बताई हुई, वही गाइस मैं वही लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, और सबसे ज़्यादा क्या है कमेंट करो गाइस कि मेरी वो बाइक पहुँच लेनी है। और जब तक के बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।